मार्केट से क्यों खरीदें जब हम इस तरह के फेस्टिव डेकोर आइटम्स घर पर ही बना सकते हैं, वो भी घर में पड़े हुए कबाड़ से। तो हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग DIYs जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, जिन्हें मैंने बनाया है अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। तो पहले DIY के लिए मैंने लिया है ये एक कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर मैंने पाम लीफ को ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं इसे कार्डबोर्ड कटर से कट कर रही हूँ। अच्छे से हम इसे कट कर लेंगे, और ये कार्डबोर्ड ना काफ़ी पतला था तो इसलिए मैंने दो पीसेस कट किए हैं। अगर आपका कार्डबोर्ड मोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दो पीसेस कट करें, एक से भी काम हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो मैंने इन्हें अच्छे से चिपका दिया है, और इसके बाद हम इसके जो एजेस हैं उनको कवर करेंगे। इसके किनारों को कवर करने के लिए मैंने लिया है न्यूज़पेपर, और अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और इसको चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे फेविकॉल का। तो थोड़ा सा फेविकॉल लेना है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, और एक पतला सा इस तरह का पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अब इस पेस्ट की मदद से जो न्यूज़पेपर है उसको हम इसके किनारों पर अच्छे से पेस्ट करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि जब हम कार्डबोर्ड को कट करते हैं ना, तो इसके जो किनारे हैं वो काफ़ी हार्श दिखते हैं, इवन नहीं लगते हैं। तो इनको स्मूथ फिनिश देने के लिए आप इस तरह का न्यूज़पेपर को इसके ऊपर चिपका सकते हैं, या फिर जो पेपर टेप आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये न्यूज़पेपर लगाया है एक लीफ के ऊपर, और एक और लीफ कट किया है इसके ऊपर मैंने पेपर टेप यूज़ किया है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा वॉल पुट्टी ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फेविकॉल, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो पेस्ट है इसको थोड़ा पतला बनाना है, अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए, और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है। अब मैंने यहाँ एक बेकार ब्रश लिया है, और इसकी मदद से मैं डैब डैब करके इस पूरे लीफ के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी। इससे जो इसका बेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, जैसे हमें चाहिए, इवन फिनिश हो जाएगी, और ये देखने में अच्छा लगेगा। अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, और ये देखिए ये सूख के एकदम रेडी है, और आप देख सकते हो एकदम इवन लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हमने इस पे कहीं न्यूज़पेपर या फिर पेपर टेप यूज़ किया था। अब इसके बाद मैंने लिया है क्ले, और इसकी पतली सी ऐसे डोरी बना लेंगे, और जो इसके किनारे हैं वहाँ अच्छे से हम इसको फेविकॉल की मदद से पेस्ट करते जाएंगे। दोस्तों, अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उसका जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मैं आने वाले वीडियोस के अपडेट्स देती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे अभी वीडियोज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत ही कम बजट में बनने वाले या फिर ज़ीरो कॉस्ट DIYs आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, जो हम अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। दिवाली सीरीज़ में मैं इससे पहले दो वीडियोस और शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। उनमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे DIYs बनाए हैं जिन्हें हम फेस्टिवल्स पर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बातें करते करते जो लीफ हैं वो रेडी हो गई हैं, और अब क्ले लेकर के मैंने ऐसे रोल करके ऐसे छोटे छोटे ये डिज़ाइन जैसा बना लिया है। इसको मैं इसमें अंदर पूरा अच्छे से फिल कर दूंगी, और फेविकॉल की मदद से बड़े ही इजीली ये अच्छे से चिपक जाते हैं, और जो दोनों लीफ हैं उनको हम सेम प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों रेडी हैं, और अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैंने लिया है ब्लैक कलर। ये जो कलर है ये चॉक पेंट्स हैं, इनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से ये कलर यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। जब तक ये कलर सूख रहा है तब तक हम इसका बेस बना लेते हैं, क्योंकि कहीं तो हमें इन लीव्स को खड़ा करना है ना। तो मैंने कार्डबोर्ड के दो टुकड़े लिए हैं, और इनको इस तरह से फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपका दिया है। ये मैंने डबल इसलिए किया है जिससे ये जो बेस है वो थिक हो जाए, मोटा हो जाए, और जो हमारा लीफ है वो अच्छे से इसके ऊपर ये उसे होल्ड कर पाए। तो मैंने अच्छे से टेप, पेपर टेप की मदद से इसको कवर कर दिया है, और एक सीज़र की मदद से मैं इसमें होल कर लूँगी, जिसमें कि हम इन लीव्स को अटैच करेंगे। तो इसको भी मैंने ब्लैक कलर से ही पेंट किया है, सेम वही चॉक पेंट्स का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ,
और ये मैंने दो पेंसिल ले ली हैं। पेंसिल इसलिए कि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि ये जो हमारा लीफ रेडी हुआ है ये थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो इसको रोकने के लिए जो लकड़ी की पेंसिल होती है उस पर बड़े ही आराम से ये टिक जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें मिरर्स लगा रही हूँ, आप देख सकते हो इसकी ब्यूटी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो दोनों ही लीव्स को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो आप चाहें तो राउंड मिरर लगाएं, या फिर इसके अलावा जो ट्रायंगल शेप में आते हैं, लीफ शेप में आते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप मिरर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही जो लीफ हैं वो रेडी हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मुझे तो अभी से ये। और ये लिया है मैंने इट्सी बिट्सी का मेटालिक वैक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो एक्रिलिक कलर्स में गोल्डन कलर आता है, ब्रॉन्ज कलर आता है, उनको ले लीजिए और किसी स्पॉन्ज की मदद से ऐसे डैब डैब करके हाईलाइट कर लीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो। और ये जो मेटालिक वैक्स है मैं इसे पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और मुझे लग रहा है कि शायद आगे एक दो साल और नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट होता है और बहुत ही ज़रा सा यूज़ करना होता है हमें। अब हम जो पेंसिल है ना उसको अच्छे से ग्लूगन की मदद से इसके ऊपर चिपका देंगे, पूरा अच्छे से कवर कर दीजिएगा। ग्लूकोज थूकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये सूख जाता है तो अच्छे से बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये चिपक जाते हैं। सेम जब आप इसको जो बेस है उस पर इसको लगाएंगे तो वहाँ भी जब तक ग्लू नहीं सूखेगा तब तक तो ये हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन जैसे ही ग्लू सूख जाएगा तो ये एकदम मजबूती से खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा रेडी है, तो अब देख लेते हैं हम इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ली है ये छोटू सी लालटेन। ये ना मेले वगैरह में मिलती हैं, 10 या 15 रुपए की आती होगी शायद एक। ये मेरे पापा लेके आए थे क्योंकि उन्हें ये पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं और मैं उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो वो ले आते हैं। तो आज हम इन लालटेन्स को और भी ज़्यादा एस्थेटिक बनाएंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो मैंने क्ले को अच्छे से ऐसे रोल कर लिया है और फेविकॉल की मदद से मैं पूरा इसको जो मुझे डिज़ाइन चाहिए वैसा मैं इसके ऊपर बनाते जाऊंगी। और जब ये पूरा बन जाएगा तब आप देखिएगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही सिंपल सी लालटेन है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो देखिए मैंने ऐसे डोरी बना ली है और उससे मैं इसमें डिज़ाइंस बनाते जा रही हूँ। पता है दोस्तों मेरे चैनल पर 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे, और अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो आप बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ मिस कर देंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ और आप वो सारी वीडियोज़ देख पाएँ, कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो देखिए बातें करते करते हमारा जो लालटेन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जब भी हम कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो डिटेलिंग ऐड होती हैं उससे उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने भी इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश की है, अलग अलग तरह के टेक्सचर दिए हैं जिससे कि ये अच्छा लगे। और देखिए किसी भी आप चाकू या छुरी की मदद से इसको इस तरह से टेक्सचर दे सकते हैं। और इसके ऊपर ना मुझे ऐसे दीपक की जैसे लौ जलती है वैसा कुछ डिज़ाइन बनाना था, तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने बना दिया है। और इसके सूखने का वेट करेंगे, ये अच्छे से सूख गए हैं और अब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। कलर करने के लिए मैंने चॉक पेंट्स का यूज़ किया है, तो बेस में मैं पहले पूरा इसको ब्लैक कलर से पेंट करूँगी। इससे काफ़ी ज़्यादा जो एंटिक लुक आता है ना वो बहुत अच्छा आता है ब्लैक कलर से। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेटालिक वैक्स, इसको थोड़ा सा फिंगर टिप्स पर लेना है और बस इसको हाईलाइट कर देना है। ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये पूरे क्राफ्ट का पूरी तरह से लुक चेंज कर देता है। बस थोड़ा सा अप्लाई करना होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए ये अच्छे से हम इसको हाईलाइट कर देंगे चारों तरफ से। और ये जो हमारे लैंटर्न हैं वो तो एकदम रेडी हैं। अब इनको हैंग करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं जिससे हम इन्हें हैंग कर पाएँ। तो ये इस तरह की बैम्बू स्टिक्स होती हैं, तो मैंने ये 6 ले ली हैं। 3 हम एक साइज़ में कट करेंगे और बाकी की जो 3 हैं उन्हें थोड़े छोटे साइज़ में कट करेंगे। तो 2 साइज़ में देखिए इस तरह से कट करनी है हमें, 3 थोड़ी छोटी और 3 बड़ी।
तो अब जो छोटी वाली हैं उनको हम ऐसे ट्रायंगल शेप में लगा देंगे और ग्लू गन की मदद से इनको चिपका देंगे। बहुत ही अच्छे से चिपक जाती हैं। और जो बड़े वाले साइज़ में जो हमने स्टिक्स कट करी थी उनको इस तरह से हम उसके ऊपर चिपका देंगे, और ऊपर भी ग्लू गन से आप इसको स्टिक कर दीजिए और ये बड़े ही अच्छे से चिपक जाती हैं। अब हम इसको कलर कर लेंगे। तो इस तरीके के मैंने दो बना लिए हैं, और अब मैंने लिया है ये बहुत ही पतली सी चेन है मेरे पास, इसको वायर में ऐसे अटैच किया और इस वायर को हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट कर देंगे और जो हमारी लालटेन है हम उसको इसमें इस तरह से लटका देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए भी मैंने बैम्बू स्टिक्स का ही यूज़ किया है, और इससे हम बनाने वाले हैं टी लाइट कैंडल स्टैंड। ये ना अमेज़ोन वगैरह पे बहुत ट्रेंडिंग है और वहाँ तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसे हम खुद ही घर पे बना लेते हैं। तो इसमें भी आपको दो साइज़ में ये कट करने हैं, एक थोड़ा छोटे साइज़ में और एक उससे बड़ा। तो जो छोटे साइज़ वाली स्टिक्स हैं उनकी मदद से आपको इस तरह से स्क्वायर बनाते जाने हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतनी ज़्यादा जो स्टिक्स हैं उन्हें कट कर लीजिए। और मुझे 4 टी लाइट कैंडल इस पे लगानी थी तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इन्हें कट किया है। चिपकाने के लिए वही सेम ग्लू गन का यूज़ करना है, इससे बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्गली ये चिपक जाता है। और ये देखिए हम इन्हें चिपकाते जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे बड़े साइज़ के जो हमारी स्टिक्स हैं उनको हम ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। तो देखिए ऐसे 1 by 1 इसके ऊपर लगाते जाना है, थोड़ा सा हाथ से इन्हें थोड़ी जब तक ये सूखता नहीं है आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही ये सूख जाएगा फिर ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको चिपका दिया है, और ऊपर की तरफ भी आप थोड़ा सा ग्लू गन की मदद से इन्हें चिपका दीजिए और ये बड़े ही अच्छे से स्ट्रॉन्गली चिपक जाता है। दोस्तों अक्सर हम दिवाली पे बहुत सारा ऐसा पैसा अपना डाल देते हैं इस तरह की चीज़ों में जिन्हें हम इजीली घर पे बना सकते हैं, तो मुझे लगता है दिवाली पे पैसे खर्चने की जगह थोड़े बचाने चाहिए। तो देखिए हमारा स्टैंड तो रेडी है। अब मैंने ये टी लाइट होल्डर ले लिया है और इसको हम ग्लू गन की मदद से इनके ऊपर चिपकाते जाएंगे। तो इसे देख के कोई नहीं कह पाएगा कि इसे आपने घर बनाया है, बल्कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से परचेज़ किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। और हाँ, कॉमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट DIY कौन सा था। अब नेक्स्ट मैंने अपने घर का जब कबाड़ देखा तो उसमें मुझे ये एक ढक्कन मिला, तो मैंने सोचा चलो इसका भी यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई थी उसको चिपका दिया है, और ये एक्रिलिक कलर्स की खाली बोतल है उसको साफ़ करके मैंने इसके ऊपर स्टिक किया, और ये छोटा सा ढक्कन है इसको भी इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो एक ये पूरा स्टैंड बन गया है, और अब हम इसको ब्लैक कलर से कलर कर देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलाकारी और करेंगे। तो कलाकारी करने के लिए भी क्या है कि मेरे पास कुछ लेसेस वगैरह रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो इनका यूज़ करते हैं। तो बस ग्लू गन से आपको इसके चारों तरफ ऐसे बनाना है, और जो लेस आपके पास रखी हुई है उसको इसके ऊपर चिपकाते जाइए। तो पहले तो मैंने एक एक राउंड लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं अभी डबल कर सकते हैं इसको, तो फिर मैंने कुछ कुछ इसको डबल कर दिया। तो डबल करने के बाद देखिए ये पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, और बहुत ही बजट फ्रेंडली, मैं कहूँगी 0 cost DIY है ये। तो टी लाइट होल्डर को इसके ऊपर लगा दीजिए और हमारा DIY रेडी है। तो आज के DIYs में आपका फेवरेट कौन सा था मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।